हाथ में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे बहुत बढ़िया बात। रविंद्र भाई बार बार आप तालियों की बात करते हो, तालियां वैसे ही थोड़ी बजती हैं, जवाबी के कुछ अंदाज अलहदा हुआ करते हैं। जवाबी गाने के कहना जीत हमको चाहिए ये, और ना हार हमको चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए, इस जनता का आशीर्वाद और बस प्यार हमको चाहिए। अब एक गीत गाया था शुरुआत में भैया ने, अब गाना वहीं से चालू होगा इनके जवाब में। जय हो। अब टाइम यहां से नोट करेंगे भैया, देखो और ले लो। अरे आज क्यों लगाई रे ढोला, कलाकार बुलाने में पैसा खर्च होता भाई साहब, ये मैंने बुलाई जलेसर, आपने सुना होगा जलेसर से बजाने के लिए तुम्हारे ग्राम में पधारे हैं, जैसा टूटा फूटा जानते हैं, पूरी रात आप सुनेंगे इनको। आग क्यों लगाई रे ढोला, सरद सरद पानी में तनहा तड़पती हूं मैं, तेरी जवानी में, अरे तेरी जवानी में, तेरी जवानी में, दिल ले गया हो, पहले रविंद्र भैया गाना बजाना सीखो जब गाओ। दिल ले गया पर देसी कोई रोकना था, अगर गीत सही गाया जा रहा हो तो तालियां आपकी। अरे क्या होगा 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 ये मेरा सोना था, क्या होगा 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 मेरा सोना था, क्या होगा 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 मेरा सोना। यहाँ पर बुजुर्ग विराजमान है, नौजवान भाई भी विराजमान है। भैया की तरफ से गीत आया कौन सा, के जागी है नई उम्मीद हृदय में हर्ष आ गया, और तुम सबको मुबारक हो फिर से नव वर्ष आ गया। इनका कहने का तात्पर्य ये था कि नव वर्ष में क्या क्या कार्य होंगे मोदी जी के द्वारा, क्योंकि मोदी जी के एडवांस मिलो भयो ने प्रचार करवे को। कह रहे थे कि राम का मंदिर बनेगा, राम का मंदिर बनेगा और शान से सीमा पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। ये पुरस्कार आ रहे हैं भाइयों के द्वारा, मैं बार बार नमन करता हूं भैया के लिए। ये कह रहे थे कि शान से तिरंगा लहराएगा सीमा पर, तो मेरा निवेदन है भैया रविंद्र जी से क्या 2020 में ही सीमा पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, उससे पहले नहीं लहराया जाता था। क्या बात है, अरे 19 में भी कश्मीर में तिरंगा लहराया गया है, और अब से पहले के वैसे ही लड़ाई चल रही थी क्या कश्मीर की? बिल्कुल आपकी गलत बात। एक बात और आप कह रहे थे क्या 2020 में बलात्कारी गुंडे सब फांसी पर लटकाए जाएंगे, क्या लटके नहीं थे क्या? पहले भी लगी है फांसी। अगर आप लोगों की इजाजत हो जाए तो मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर बात समझ में आ जाए तो सब जनता की तालियां और स्वतः ही तुम बजाओगे भी।
फांसी पर लटकाए जाएंगे। तो सुन लीजिए जिनका तुम प्रचार कर रहे हो, सुनो। बलात्कारी का फैसला, यही तो बात। हाँ भैया, बलात्कारी का फैसला अब आप लेते हो, अब आप लेते हो, और उनसे ही कह रहा हूं तुम जिनका प्रचार कर रहे हो, अरे अब आप लेते हो, आसाराम का त्यार फूफा लगे बाए, फांसी क्यों ना देते हो, फांसी क्यों ना देते हो, फांसी क्यों ना देते हो, फांसी क्यों ना देते हो। हाँ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया, क्योंकि सबकी, बेटा आराम आराम से, तुम मत बोलो कोई, क्योंकि जवाब जवाब के तरीका से होते हैं तो आनंद आता है। तुम कह रहे हो कि सब बलात्कारी गुंडे फांसी पर लटका दिए जाएंगे, तो मेरा तुमसे ही पूछना है, बलात्कारी का फैसला अब आप लेते हो, आसाराम का फूफा लगे भाई, फांसी क्यों ना। तो मेरा कहना है, हैदराबाद कांड से ये निष्कर्ष आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? यही तो बात है। हैदराबाद कांड से ये निष्कर्ष आ गया, और मैं भी और आप उठा करके, हाथ उठा करके बोलेंगे, ये मंगल में हो सबको अब नव वर्ष आ गया, ये मंगल में हो सबको अब नव वर्ष आ गया, अब मंगल में हो सबको नव वर्ष आ गया। ओ हो हो, बहुत अच्छा, और भैया पर्वत के पीछे घटाएं घिर आई तो क्या हो, ए बरसात हो, अरे चाहे दिन की रात हो। अब तालियां देखना, तो गाने में ही तालियां पर्वत देख लेना, क्या बात है। अरे चाहे दिन की रात हो, चाहे वो बरसात हो, उस धरती का ही चक्कर सुनो, उस
धरती के साथ में क्या हो रहा है, धरती के साथ उधर उठी हुई है, उधर चुमकी हुई है। तुम कह रहे थे कि हल हल धर का, मैं कह रहा हूँ वो चक्र चक्र धर का है, वो चक्र चक्र धर का शोभा मुरली धर की धरती ने दुनिया धर ली। क्या बात है, समझ आएगा, दुनिया धरती पर है, क्या बात है, धरती ने दुनिया धर ली, धरणी हिरणाक्ष ने, अगर जवाब समझ में आ जाए तो तालियां, धरणी धरणी हिरणाक्ष ने चुरा के धर ली, जो ये पृथ्वी है हिरणाक्ष ने चुरा करके धर ली, धरणी हिरणाक्ष ने चुरा के धर ली, बारह ने धरणी आधारे धर ली। भैया कह रहे थे कि हमारे जो ढोलक मास्टर आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया है जैसा बजा रहे हैं, आपके ही तो यहाँ के रहने वाले एक सचिन भी हैं जो ढोलक बजाते हैं, उन्होंने भी हमारे संग आज से कम 10-12 साल पहले ढोलक बजाई थी, वो भी तो बढ़िया नाम कर रहे हैं। सही बात है। अब सुनिए मेरी तरफ से, कह रहे थे कि दादाजी निहाल सिंह जी की यादें रुला रही है और बुला रही है। अब मैं क्या कह रहा हूं रविंद्र भाई, अरे रो रो करके बुला रहा है, अगर बात समझ में आ जाए तो इनके सम्मान में जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे आप। ये रो रो करके बुला रहा है, कोई ये परिवार तुम्हारा, रो रो करके बुला रहा है ये परिवार तुम्हारा। देखिए एक बात मैं गलत साबित करता हूं, यहां पढ़े लिखे व्यक्ति भी विराजमान है, कि जन्नत से आ जाओ बिल्कुल गलत शब्द है, हिंदू भाई हिंदू धर्म में बोला करते हैं स्वर्ग से आ जाओ, मुस्लिम धर्म में बोला करते हैं कि जन्नत से आ जाओ, सही है क्या गलत है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इन बातों पर विशेष ध्यान दे करके, यहाँ तो कोई फीता फीता ना कट रहो तुम्हारो। ये मुकेश शर्मा है, कहना है ये रो रो करके बुला रहा है ये परिवार तुम्हारा, श्री निहाल सिंह जी स्वर्ग से, निहाल सिंह जी स्वर्ग से आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा, निहाल सिंह जी स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा। क्यों कहना है? अरे धर्मवीर सिंह भैया
जा थोड़ी सी शांति बना के। धर्मवीर सिंह धर्म पे चलते शब्द देखेंगे। अरे धर्मवीर सिंह धर्म पे चलते वो है तुम्हारे भैया, वो है तुम्हारे भैया। और अरे राजकुमार तेजवीर बेटा की डगमग डोले मैया, राजकुमार तेजवीर बेटा की डगमग डोले मैया, अरे राजकुमार तेजवीर बेटा की डगमग डोले मैया। और ये रामवीर ना धरे धीर अब देगा कौन सहा, हाल सिंह जी स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा, हाल सिंह जी स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा, हाल सिंह जी स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा। देखिए अभी मैं अपना कुछ नहीं गाया मैंने अभी, अब लास्ट बंद बोल रहा हूं, उसके बाद में कुछ अपना भी इनके लिए दे करके जाऊंगा। अरे नाती आकाश विकास काना, ये नाती आकाश विकास काना, रोते भर भर हिलकी, वो रोते भर भर हिलकी। और अरे कुलदीप भालू भी कहते कौन सुनेगा दिल की, अरे कुलदीप भालू भी कहते अब कौन सुनेगा दिल की। और अरे सुना सुना है घर आंगन, हो स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा, स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा, तुम आओ लौट दोबारा, हाल सी कुछ स्वर्ग से तुम आओ लौट दोबारा। स्माइल है उसी तरीका से आना चाहिए, उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना। तेरे छोरा कर ले के ये छोरा कर ले के देख छोरी का करवावेगी, कहने में भी बड़ी शर्म आती है ऐसे गीतों को। तेरे छोरा कर ले के देख छोरी का करवावेगी, अरे जेल करावेगी छोरन को जेल करावेगी, जेल करावेगी छोरन को जेल करावेगी, अरे जेल करावेगी छोरन को जेल करावेगी। हो हो
को भयंकर है। सुनेंगे रविंद्र भाई। माने रखा रूप को भयंकर है और गाना वो होना चाहिए कि कलाकार बाद में बोले, पहले सुनने वाले बोले। माने रखा रूप को भयंकर है, वो नीचे पड़े शिव शंकर है। लई लंबी जीभ लटकाए, लई लंबी जीभ लटकाए, दुष्टंते पाली पड़ गई है। लई लंबी जीभ लटकाए, दुष्टंते पाली पड़ गई है। मन काली चढ़ गई है शंकर पे काली। केवल शंकर भगवान पे मैं तीन नारियां चढ़ा रहा हूं। अगर तुम्हारी कलम में जरूरत हो तो एक या दो तुम बढ़ा करके केवल शंकर भगवान पे नारियां होनी चाहिए। पहली बात, अरे स्वर्ग लोक ते उतरी गंगा की आशीष पे धारण किया लोक कल्याण प्रभु ने हर जन जन के कारण। अब दूसरी नारी, लई जटा बीच अटकाए, लई जटा बीच अटकाए, पातना खाली पड़ गई है। और गंगा मैया, अरे पातना खाली पड़ गई है। और देखिए ताली कैसे बजेंगी, पातना खाली पड़ गई है। अरे साली चढ़ गई है जीजा पे साली। गलत ना ले जाए बात को। शंकर भगवान और गंगा मैया का रिश्ता बड़ा पावन कहना है। लई जटा बीच अटकाए, पातना खाली पड़ गई है। अरे पातना खाली पड़ गई है, अरे साली चढ़ गई है जीजा पे साली चढ़ गई है। समझ में आ रही है भैया? समझ में आ रही है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बंद में बन काली चढ़ गई है शंकर भगवान के ऊपर, और द्वितीय बात में साली चढ़ गई है जीजा पे साली चढ़ गई है। अब अगली बात, तीसरी बात और सुनेंगे। दक्ष यज्ञ पे ध्वंस हुआ और ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है टीके लाइव पॉइंट वालों की तरफ से। हमारे धर्मेंद्र भाई हजियापुर वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद है भाई के लिए। कहना है, समझने वाली बात है क्योंकि जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा इनका। भैया कुलदीप भैया, बन काली चढ़ गई है शंकर पे काली चढ़ गई है, और दादाजी साली चढ़ गई है जीजा पे साली चढ़ गई है, वो भी शंकर भगवान पे ही गंगा मैया चढ़ रही है। अब तीसरी बात, केवल बात शंकर भगवान की है, कोई और देवताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कहना है, अरे दक्ष यज्ञ पे ध्वंस हुआ है और शिव गुस्सा में छाए, और धर के कंधे चले सती को पामन पीठ बनाए। पामन पीठ बनाए, पामन पीठ बनाए। शंकर भगवान ने सती को मरण अवस्था में जो सती थी उनको कंधे पर रख लिया भगवान शंकर ने। तो यहाँ पर हमारे किशन गुरु जी ने लिख क्या दिया, शिव शक्ति दई तरसाए, क्योंकि पत पत्नी का रिश्ता था शंकर भगवान और सती के बीच में।
वहाँ पे साली चढ़ रही है जीजा पे भैया, वहाँ पे साली चढ़ रही है जीजा पे और यहाँ पे क्या हो रहा है। जब शंकर भगवान के कंधे पर सती जी हैं, शिव शक्ति दई तरसा पातना जाली पड़ गई है, घर वाली चढ़ गई है, घर वाली चढ़ गई है, शिव पे घर वाली चढ़ गई, घर वाली चढ़ गई है, शिव पे घर वाली चढ़ गई, शक्ति दई तरसाए, दई तरसाए पातना जाली पड़ गई है, घर वाली चढ़ गई है, शिव पे घर वाली चढ़ गई है, घर वाली चढ़ गई है, शिव पे घर वाली चढ़ गई है, घर वाली चढ़ गई है। बढ़िया मैडम है ये, ये मैडम नहीं ये मेडका है। अरे मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, मैं तो नशे में टल्ली हो गया, की करिए की करिए, मैं पूछ क्या रहा हूं भैया से, क्या अजब रवैया हो गया, क्या अजब रवैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, क्या अजब रवैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, क्या ये है लेखों का संवाद, किया है लेखों से हमने यार, किया है लेखों से हमने यार, और पैदा सास के भयो दामाद, क्या पैदा सास के भयो दामाद, और पूछना क्या है, वो पैदा बहन के भैया हो गया, ओए तुम सुनिए तुम सुनिए, बहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, पैदा बहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं भैया से पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन व्यक्ति दुनिया के अंदर हुआ जो अपनी सास के गर्भ से दामाद पैदा हुआ, और ऐसा कौन भाई पैदा हुआ जो अपनी बहन के गर्भ से पैदा हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सुंदर, क्या ये है लेखों का सम्मान, किया है लेखों से हमने यार, पैदा सास के भयो दामाद, तुम सुनिए तुम सुनिए।
वक्त यहाँ पे ये राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हेलो डॉक्टर साहब की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। चौधरी ओमवीर सिंह ठेकेदार जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है। 100 रुपए का पुरस्कार ललुआ चौधरी साहब थानपुर निवासी प्रधान पद के उम्मीदवार ये 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद है। 20 रुपए का पुरस्कार संदीप चौधरी और इंद्रपाल जी मिलकर के ये सभी भाई पुरस्कार देते हैं। मैं सभी दानदाताओं को बार बार प्रणाम करता हूँ। शंकर